हाय गाइस, इस रीडिंग में चेक करेंगे आज पूरा दिन आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपके बारे में, उनका आज पूरा दिन का थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस क्या होगा। रीडिंग आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो रहे तो ले से, नहीं हो रहे तो इट्स ओके, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी आज पूरा दिन आपके लिए, क्या सोचेंगे आपके बारे में। नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो कि आपके पास आ रहे हैं, आपके और आ रहे हैं लव का ऑफर लेकर, खेलो भड़क सकते हो कि ऐसा, हम ऐसा बोलते हो यार, पर होता होता कुछ नहीं है, आज होगा। ठीक है, सबके लिए तो नहीं, पर कुछ लोग बिल्कुल, जिस पर्सन का आपको इंतज़ार है या जो पर्सन अपने ईगो में बैठा हुआ था या फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी, फैमिली इंटरफेयर था जिस वजह से ये पर्सन आपके नहीं आ पा रहे थे, या अपने वर्क में बिजी थे, जिम्मेदारियों के बीच फंसे हुए थे, ये पर्सन आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो नो कांटेक्ट में हो तो बातचीत करेंगे, या अपना इमोशनल साइड नहीं दिखा रहे थे ये पर्सन तो दिखाएंगे। ठीक है, बहुत हुआ रूडनेस, बहुत हुआ रूडली बिहेवियर। मैं अपना लव को कंट्रोल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती उसके लिए, तो अपना लव साइड, अपना इमोशनल साइड ये पर्सन आपके सामने शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। आपको प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, जिनके जिनके बारे में आप ये सोचते हो कि ये इगोइस्टिक है, रूड है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, या इनका ये थॉट्स है आपको लेकर। ठीक है, तो यस, ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपसे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं ये, या तो आपका खुद का साइन हो सकता है। और क्या सोचेंगे ये पर्सन आपके बारे में, और क्या सोचेंगे पर्सन आपके बारे में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, कंफ्यूज रहेंगे कई सारे लोगों के लिए। ठीक है, कि बातचीत करूं ना करूं, मिलने जाऊं या नहीं जाऊं, मिलना चाहिए कि नहीं, उसको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, बातचीत करना चाहिए कि नहीं, या आपको प्रपोज करना चाहिए कि नहीं, ये पर्सन कन्फ्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, कई लोगों के लिए ये पर्सन इतने कंफ्यूज इसलिए हैं, या अभी तक रुके हुए अपने फीलिंग्स कन्फेस इसलिए नहीं किए हैं, क्योंकि आई थिंक आपके तरफ से ऐसा ये फील कर रहे हैं कि आप रिजेक्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को अलाउ नहीं करोगे, आप कंफ्यूज हो, या आपके पास ऑप्शन है, या इस पर्सन के पास ऑप्शन है। ठीक है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके लिए बेहतर क्या है, इनके लिए बेटर क्या होगा, किसकी ओर इनको आगे बढ़ना चाहिए, किसको अपने लव का कप ऑफर करना चाहिए, किसको अपने कप ऑफ लव ऑफर करना चाहिए, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है। ये पर्सन मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, या किसी तरह के टेंशन में है कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकले हैं, और कुछ लोग ये पर्सन कंफ्यूज रहने वाले हैं कि आपसे बातचीत करें कि नहीं, कॉन्टैक्ट करें कि नहीं, इस सेपरेशन को, इस नो कॉन्टैक्ट को तोड़े कि नहीं। मुझे ना कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आपसे सॉरी कहे कि नहीं, अगर कहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप इग्नोर करोगे, या ये आपसे माफ़ी मांगते रह जाए, या आपसे बातचीत करने की कोशिश करें और आप इग्नोर करो, तो ये सब थॉट्स होगा इनका। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग के लिए कि ये पर्सन आपके रिश्ते को सेकंड चांस देने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, पर कन्फ्यूज़ हैं कि देना चाहिए कि नहीं। अगर ये पर्सन आपको सेकंड चांस देते हैं, इस रिश्ते को सेकंड चांस देते हैं, आपकी ओर आते हैं, आपके रिश्ते को हील करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पुराना मिस्टेक्स ना हो आपसे, इनसे, या सही होगा कि नहीं आपको सेकंड चांस देना, इस रिश्ते को सेकंड चांस देना, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां आपसे हैं। ठीक है, या अगर आपकी गलती नहीं है, तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा तो ये आगे बढ़ने के लिए रेडी है, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए इस पर्सन को, ठीक है, शॉर्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो ये कंफ्यूज रहने वाले हैं कि इस पर्सन को आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और कुछ लोग लिए आपके रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। चेंजेस जरूर चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन, जो टॉक्सिसिटी है, जो निगेटिविटी है, जो पेनफुल सिचुएशन है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, इसका ज़रूर एंड चाहते हैं आपके पर्सन, चेंज करना है। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में चेंजेस लेकर आओ, वो इनको दो जो ये पर्सन चाहते हैं आपसे, आप इनको समझने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ इनके रूडली बिहेवियर को ना देखो, इनके दिल को देखो, इनके मन को देखो, इनके मन कितना साफ है आपके लिए। ओके, ये पर्सन कितने प्योर हार्टेड हैं,
आप इनके मन को देखो, इनके दिल को देखो। तो यस, ये पर्सन चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ में। एक और मौका देना चाहते हैं ये पर्सन। जो देना चाहते हैं उनका यूनियन आज होकर रहेगा, उनके लिए आप रेडी हो, आपके पार्टनर रेडी हैं, तो ज़रूर आप दोनों का जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाला है। आप दोनों वापस से साथ में आओगे, आप इनसे मिलने जाओगे, ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे या ही आपसे मिलने आ रहे हैं। आपको वो दे रहे हैं जो आप चाहते हो, ठीक है, वो होगा जो आप दोनों चाहते हो, अगर दोनों चाहते हो तो, ठीक है। अगर ये पर्सन कहीं स्टक हैं, इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि उन लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, या इनकी एनर्जी ऐसा है कि बातचीत कितने दिनों से बंद है ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है यहाँ पर कि इनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। अगर इस रिलेशनशिप में कोई होप ही नज़र नहीं आ रही है इस पर्सन को, इनको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ ही नहीं सकता, एंड हो गया टोटली, ये इस पर्सन ने खुद ही किया है एंड, इस पर्सन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है या खुद ही स्टॉप कर दिया है आपसे बातचीत करना, कांटेक्ट करना। इनकी तरफ से आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, नहीं आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप करते हो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके जब के पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके रोने धोने से, परेशान होने से, पर उन लोगों का नई शुरुआत ज़रूर होगी जो दोनों चाहते हैं, आप भी चाहते हैं उनका साथ, ये पर्सन भी चाहते हैं, दोनों ही लॉयल ऑनेस्ट हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं चाहिए कि इतने सालों से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर ऑनेस्टी लॉयल्टी है दोनों की तरफ से, तो उनके बीच एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी बिल्कुल भी नहीं जो ऑप्शन की तरह ले रहे हैं, उनके जाते किसी और को देखते हैं, बिल्कुल नहीं है ये रीडिंग उनके लिए, ये एनर्जी उनके लिए, जिनके बीच एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है।